आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन एवरी डे। तो अभी बज रहे हैं 5:05। तो गाइस ये रही मेरी शाम की चाय और यहाँ पे है थोड़ा सा नमकीन। वैसे मैं 4:30 या फिर कभी कभी 5 बजे मैं अपनी चाय और इवनिंग स्नैक्स लेती हूँ। तो ये है मेरी चाय। सो अब मेरा शाम का वॉकिंग करने का टाइम हो गया है थोड़ा। मैं शाम को मैं 15-20 मिनट की लाइट वॉक लेती हूँ। तो अभी बाहर है ना, जैसा कि बारिश का मौसम है तो अभी बाहर बारिश भी पड़ रही है। ज़्यादा तो नहीं पड़ रही, थोड़ी सी बारिश पड़ रही है, इसलिए मैं अपने घर में ही वॉक कर लूँगी आज। सो एवरी डे मैं सुबह तो कुछ नहीं करती, बस शाम को 15-20 मिनट की लाइट वॉक करती हूँ, क्योंकि डाइट वगैरह तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। तो बस मैं अपना रोज़ डेली वॉक ज़रूर कर लेती हूँ। गाइस वॉक करने के बाद मेरा ये डिनर भी मैंने बना दिया है। आज बहुत ही सिंपल डिनर है, सेव सण बोलते हैं उसको। तो क्या है कि हम पाव नहीं खाएंगे इसके साथ, हम इसके साथ पराठे लेंगे। तो इसके साथ हम ज़्यादातर घरों में पाव वगैरह लेते हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन पराठे हम इसके साथ ज़्यादा लेते हैं। तो गाइस ये देखिए पराठे का डो भी मैंने रेडी कर लिया है। तो गाइस इसके बाद मैं शाम की जो दिया बाती है वो कर लूँगी। तो गाइस मेरा शाम के दिए बाती हो चुके हैं और फिर यहाँ पे मैं बैठ के अपना मेडिटेशन करूँगी। भगवान को याद करने के बाद मैं 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट किया है मैंने। उससे माइंड बहुत ही शांत रहता है और पॉजिटिव भी रहता है और बहुत रिफ्रेश लगता है। तो अभी मैं मेडिटेशन करूँगी। मेरा मेडिटेशन का समय मैंने शाम के टाइम में रखा है, जब दिया बाती करते हैं बिल्कुल शांत होता है घर का माहौल, तब मैं अपना मेडिटेशन भी करती हूँ। तो गाइस अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे हैं शाम के, और फिर अपना जो भी कुछ यूट्यूब का रिलेटिव कुछ काम हो जाता है तो उसका टू डू लिस्ट बनाऊंगी मैं। उसके लिए मैंने अलग एक डायरी रखी है बड़ी सी, तो उसमें अपना यूट्यूब का जो काम है, आने वाले समय में क्या करती हूँ, कैसे प्रोजेक्ट बनाती हूँ, वो सारा कुछ मैं नोट डाउन करती हूँ। और फिर एक दूसरी डायरी है, उसमें मैं अपना डेली का कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ, जैसे जर्नी होती है लाइफ की, तो वो सब जो मेरा नोट डाउन करती हूँ। इससे बहुत अच्छा लगता है मुझे लिखना। और कल के लिए क्या क्या करना है, कल मैं क्या क्या वर्क करूँगी घर में और क्या क्या काम मेरा पेंडिंग है, वो सारा भी मैं नोट डाउन करती हूँ मैं एवरी डे। उससे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता काम का और फटाफट से हो जाता है सारे काम। तो गाइस अभी डिनर का टाइम हो गया है। तो ये रहा मेरा सिंपल सा डिनर, सेवसण और संग में पराठे। सो गाइस हम लोगों ने डिनर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव के लिए। बस इधर में आसपास ही हम लोग चक्कर मारने के लिए जाते हैं डेली। सो मूड भी फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा मतलब, और बस 15-20 मिनट के लिए हम बाहर जाते हैं। सो गाइस इसके बाद हम लोग घर पे एंटर हो गए हैं, घर पे आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 10:30। तो गाइस अभी मैं फ्रेशन अप होंगी और अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करूंगी, और वो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको देखना चाहते हो तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। सो गाइस मेरा स्किन केयर रूटीन भी कंप्लीट हो गया है, मैंने वो शेयर किया नहीं है।
तो अभी मैं रात को गर्म पानी पीऊँगी थोड़ा सा। वैसे एवरीडे मैं टर्मरिक वाला पानी पीती हूँ, बट आज मैं सादा ही पी रही हूँ। सो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। अब मैं जो है रात को अच्छे से भगवान जी की बुक पढ़ती हूँ, कोई भी पॉजिटिव वाली आती है, कोई भी मोटिवेशन करने वाली बुक पढ़ती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने हैंड क्रीम अप्लाई करी है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का सिंपल सा इवनिंग टू नाइट रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। बाय गाइज़।